रोटी खाने भी तंग हो रहे हैं। लगाइए खाते भी करेल दिए। मैं भी बैंक में बैठ दी दनी बाट देख खेतना रोटी ला गया कड़ा गई दीदी दानी आ खाता खिलाने दे रही थी बैंक में ठन्नी लेने देने सरकार तो मोदी बनावागा कहता है हाँ कहता है कहता है कि तुम सब ऊपर है उसे ना वाला इतना ठोका है। मैं टूटती सहन थी नहीं उस टाइम भी रामवाल माजरा 165 वोटों जीते था और उस टाइम पहले तो 400 वोटों जीते था 400 450 जीते थे छोटा का चौटाला वर्ग का तो आदमी को नहीं था। चौटाला ने इतने नौकरी पर लगवाए दिए थे जेड़ तो कल ने भुगती है बेचारे ने और तो नहीं भुगती वो तो नौकरी कर रहे हैं ठाटते। मैं तो उसका दूंगा झाड़ू वाला का मैं जरूर दंत ध्यान है मेरा। अच्छा कहता यार सरकार नहीं सही लग रही ना मन नहीं लगी। केजरीवाल का मुद्दा है अंदर कर क्या है एक तो एक अब भी ट्राई में है मैं भी लिखड़ जाऊँ आगे परमट तो मारे कट रहे हैं सरकार देखांगे किसकी बनावांगे उसे की बना देंगे बीजेपी वाले की पार्टी बीजेपी को राती दिखेगी उसको वोट देंगे। राम राम तऊ राम राम तकड़ा ठीक है। अच्छा सरकार किसकी बना हुआ है हाँ? सरकार है? मेरा उसमें सरकार और हाथों गला पड़ेगा वोट तो सरकार तो मोदी बनावागा कहता है हाँ कहता है वोट कहता है कि तुम सब ऊपर है उसे ना वाला इतना ठोका है। अच्छा कहता वोटा तो कोई नहीं बनती हाँ वोटा तो नहीं बनती सरकार वोट तो जिंदल बनिया खड़े हो करता कांग्रेस से हाँ बोले जो जीतेगा बोले सारे सामने बंद कर दूंगा बोल के करेगा बोले मैं तो इलेक्शन में लड़ता ईब क्यों कर दिया खड़े उसने ईब भी बढ़िया जीतता दिखे उसने ईब जिंदल खड़ा कर दिया सारे काम धोखा के सब रहे फिर वोट टांगल बनी था वोट दोगे किस तरह वही बनेगा अभी किस तरह मारे वोट टांगा के बना जिंदल तो दोगे क्या और तो दोगे कौन है केजरीवाल की मोदी ने तो खास बनाए रखा देश का किसकी लग गए सरकार तो भावना केजरीवाल की बढ़िया लग गए मोदी ने जमा सारे नाके पीट गए ना तो नौकरी दे रहा कोई तो केजरीवाल में कुछ खास है वो भी तो भ्रष्टाचार के उसमें जेल में जेल में तो सारे जाएंगे जेल में कौन सा रहता इसके क्या नहीं जानते जेल में ईमानदार पार्टी है तो ईमानदार क्यों कर दोगी पार्टी यार यू नवीन दिन दिल बैठे हो रहे आ गए इलेक्शन लड़ा पहला कांग्रेस में था यू भी तो कई करोड़ों का ठाला कर रही है कहते नहीं अंदर गया बीजेपी वाले नहीं कहता मिले गिल ने ईमानदार था ये वो होगा भी भाई देख लो भी महाराज केजरीवाल आया समझ में गाँव में कुछ मोल लग गए केबरा भी गांव का तो अरे अल तो बेरा मारा भी नहीं केबरा तोड़ रूप पलटे जाए वो भी नहीं बेरा हूं बाकी देख के सब कुकर पलटोगे फिर केबरा पटाएगा भाई इनके बेरा मारा गठबंधन बीएसपी के लो बीएसपी वाले यहां के बेरा लोकदल के लो जाए इनके मारा रूप नहीं होना पटके पलटे जाए लेकिन अभी चौटाला का भी अच्छा रुझान हां उसका रुझान अच्छा है चौटाला वर्ग का तो आदमी को नहीं था चौटाला ने इतने नौकरी पर लगवाए दिए थे जेड़ तो कल ने भुगती है बेचारे ने और तो नहीं भुगती वो तो नौकरी कर रहे हैं ठाटते मन तो क्या बात चौटाला वर्गा तो नेक आदमी मिलता कोई और ना हरियाणा मानता उस वर्गा तो। अच्छा आबेगा के कुछ रुक रहा हुआ फिर है जी आबेगा के कुछ मोल रहा हुआ आबेगा का मोल बढ़िया रहेगा जी वो उसका तो जोर पकड़ सके तो अबे पकड़ सके इसमें क्योंकि ने काम अच्छे करे पीछे भी अच्छा नवा नवा आयु केजरीवाल हूँ सुनने में आइए दिल्ली में इसने न्यू कर दिया बाकी देखो भी गठबंधन है इसका कांग्रेस के लिए तो केबरा सीट लिकड़ भी जाए इसकी अरे जोर तो हाँ जोर है पकड़ागा इससे ज़्यादा राम राम जी राम राम जी। अच्छा लक्ष्य नाम के कुछ मोल बना रहे होता हूँ बस इसका मुद्दा है जी महंगाई का ज्यादा मुद्दा यू है चुनाव में तो यू है अपने इंडिया गठबंधन का है ज्यादा रुझान कतौड़ दिखा मोल बता दे हाँ जी सर बस यही है जी मोल तो यू है जो आज हो रहा था मोल
कांग्रेस की तरफ था, क्योंकि हमारी फसल देखी कदे तो मंडी में हमने कट्टे नहीं मिलते, टाइम पे कोई बोरी उठाता, माटी पलीत हो रही है, बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हमारा बहुत तकड़ा नाराज हो सरकार से। सरकार से बस यह नाराजगी हमारी, हमने रोजगार मिला, हम क्यों नाराज होंगे? इतना बड़ा व्यापारी जिंदल आ रहा है, रोजगार देगा वो, पर जिंदल हमारा फैक्ट्री ला रही, पहला आई था उरा का तो कर सके तो कुछ कौन कहा था वो नहीं कहा भी पहल नहीं करे पी करागा जब पहल नहीं कहा था जिन साहब ने नहीं कहा मैं यहाँ फैक्ट्री मैं फैक्ट्री लगा दूँगा यहाँ और अपने बच्चे ने रोजगार मिल जाएगा, उरे तो कुछ नहीं करा, दोबारा आए भी कौन उरा क्षेत्र एरिया में फैक्ट्री कौन दवाई दें तो नरिया जो है ओहो फैक्ट्री से ठीक है जी, मैं उनसे और पूछता हूँ। राम राम जी, सरकार किसकी मारे हो आप, सुना दो अपनी आप भी तो सुनाओ। हम तो मोदी बना रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया के कुछ लग गया, अच्छा बहुत बालक लायक गए बतेरे। अच्छा हाँ, बड़ा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा गरीबों ने अनाज भी दे रहा, सब कुछ दे रहा, अनाज तो पहला भी मिला थे इतना, ये भी इसने मतलब 15-16 बालक तो 2 महीने अभी तक ले दिए मगर वोट मिल गया भाई। राम राम मिस्त्री जी, और ठीक हो? ठीक है साहब। अच्छा वोट बाट का केमोल करोगे क्या? वोट तो भी बच्चे ने पूछेंगे भी, आप बताओ। मैंने आपने पूछेंगे, मैं तो उसका दूंगा झाड़ू वाला का, मैं जरूर ध्यान है मेरा। अच्छा कहता यार सरकार नहीं सही लगा, नारा मैंने लगी क्या महाराज वो भी काट दिया तो राशन कार्ड भी अरबी लेना, राशन कार्ड तो 80 करोड़ लोगों तो देने लायक गया, पहला 35 ने मिला था, कदी देगा बात तो फ्राड तो के बना है नहीं, तगड़े तगड़े भी ले राशन कार्ड, फ्राड तो फ्राड वाला किले नहीं मेरे बारा खाना को नहीं बारा खाना ना जी, दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी करनी है भीर फेर दी हड़तल बात आवे। अच्छा जी, राम राम जी, सरकार का के मोल बना रहे हो क्या? कुछ पता सरकार तो बदलिएगी, बदलिए तो फिर खड़िया है गठबंधन भी है, देखो जो गठबंधन में जगह उसे ही ध्यान है। अच्छा राम राम जी, इलेक्शन में के मोल बना रहे हो? भाई मोल मम तो अभी तो डायलॉग नहीं है। अच्छा हाँ, कुकर नहीं, कुकर के शुरू होता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देवीलाल करके जो शेर है वो दूसरे तो बिक गया, देखे हो गया इसका तो खोटी को नहीं कोई। अच्छा हाँ, पसली गेड़े दुष्यंत के दिए थे, किसों के दिए थे के वोट? पतले गेड़े इसे के दिए थे, इसका थोड़ा खड़िया है तो क्या है, नहीं दुष्यंत का नहीं मोल हो रहा था नहीं पाछा है, फिर माने दुष्यंत के कड़े दिए थे आपने तो इसके दिए थे और। अच्छा आप जी के कहोगे? हम तो उस पे है जी लोकदल पे, इंडियन नेशनल लोकदल, हाँ इंडियन नेशनल लोकदल इसी के हम। और जे जे पी? ना जी ना कुछ नहीं है, जे जे पी का तो एक वोट एक भी नहीं हो रहा, तो मारा तो वोट है कौन उसका तो। अच्छा ना कोई दिन था उसने, और जिंदल का क्या कुछ मोड़ जिंदल का जी चौथे नंबर पर हो, जिंदल तो चौथा के तीसरा बताइए, तीसरे पर चौथे पर होगा जिंदल, धने मेरे को भी कहीं खड़े और इंडिया गठबंधन आ गया है, मदरा साहब गले जुड़ रहे हैं बस, उसने हमारे कांग्रेस 28 छोरे ले रखे गांव के, अरे भाई जितने भी कांग्रेस माजरा ने करे हमारे तो लोकदल में सरूत है, इसो गला हम तो बस, मतलब माजरा साहब करके अच्छा माहौल है, माजरा साहब का आने थोड़ी सी एनर्जी आई, एनर्जी खूब एनर्जी आई है, माजरा साहब ने 28-29 छोरे ला रखे हमारे गांव के, सभी जातियां मंदिर ला रखे, सभी जातियां इसके वोट है, इसका वाला फर्क भी नहीं पड़ेगा। जय रामपाल कल उस तरह जाता भी लड़ता नहीं तो भी जीत है रामपाल की को। मारा गांव में तो है कल्या थल के में थे ये नहीं कदे यू कल्या थल के गांव का रिकॉर्ड रहा जद जब मैं टूटती सहन थी नहीं उस टाइम भी रामपाल माजरा 165 वोटों जीते था और उस पहले तो 400 वोटों जीते थे 400 450 जीते थे छोटा गांव सुरदाला एन 22 तारा
रह लिया था जिन भी कहते जी के दम इसके वोट गेट दो दो, दो मंत्री बन जाएंगे सारे मेरे पर काम करा जाए तो भी जीवे जीत जाएगा नहीं माजरा का नाम तय इस गांव में तो फिर भी जीत जाएगा कोई जोर ला लू कितने इसके वर्कर इसके वर्कर है जो गुप्त है यू इस गांव में था उनका तो मतलब कौन किसी भी उस तरह छत्तीस बरादरी वोट है किसी भी जाति में आप कास्ट में रामपाल माजरा का है हाँ रामपाल माजरा खूब वोट है बाकी भी अबेगला भाई तो अबेगला हम भी सारे अगर अभी अकेला तो फिर तो कम रामपाल माजरा करके है ना हाँ रामपाल माजरा करके फिर कौन था अबे का पूरा उस कर का मोल है क्यों भाई वो दुख सुख में सारे ना है और हमारा इतना अंधे और अबे और नमम के जाना ना है जिस तरह दूसरे अंदोट ना कर न्यू कर दंदे ही भी पर रामपाल नहीं करता रामपाल निग्रह आदमी है जानमन आदमी जो बात कहेगा वो तो निग्रह कहेगा सब चलाएगा भाई और उसी के हिसाब से वोट दे रहे हम राम राम जी आपकी सरकार का के कुछ रुख है कौन सी वाली का के अब चुनाव आ रहे हैं ना हाँ जी के कुछ रुख करोगे बीजेपी जीतेगी जी बीजेपी हाँ कार्यों से संतुष्ट हैं सारे हाँ संतुष्ट हैं आता हुआ सरकार का के कुछ रुख रहोगा मैं मन के बेरा वे सरकार ये ही रखनी है बदलनी है के कुछ करना है ये तो जनता बदले की भैया मैं जनता में तो हम बड़े बुजुर्ग बंगला हुआ जनता भी काम जी तेरा के मन है हाँ यह भी ठीक है यही ठीक है हाँ जी सर हाँ साहब क्या कुछ लगा आपकी बार क्या बदलाव चाह रहे हैं लोग क्या कुछ मुद्दे हैं फिर बदलाव चाह रहे बदलाव तो चाह रहे हैं फिर मुद्दा क्या है किस केजरीवाल का मुद्दा है अंदर कर क्या है तो एक अभय भी ट्राई में है मैं भी निकल जाऊँ आगे तो केजरीवाल अंदर कर रखे क्या क्या नज़र से देखते हो कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप है भाई ये तो देखो कोर्ट में साबित होगा ये तो कोर्ट बताएगी एक भ्रष्टाचार में है या वैसे डालर क्या इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता नहीं आपका क्या नज़रिया है केजरीवाल बनना चाहिए अभय बनना चाहिए हम तो अभय के वोटर हाँ अभय को देंगे वोट आप अभय से हाँ अभय से देंगे अच्छा और माजरा करके जाएंगे रामपाल माजरा हाँ गाँव टोटल के माहौल देख रहे हो आप टोटल माहौल भी कुछ नहीं कह सकते जो इलेक्शन आवेगा जोर पकड़ेगा देखो क्या होता है अभी फिलहाल किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तो सारे अपनी अपनी ट्राई में हैं वोट बनाएंगे बाधा दौड़ी रात दिन होएगी टाइम लगेगा माहौल किसी का पक्ष में नहीं है अभी क्लियर नहीं है कहीं भी राम राम जी ठीक ठाक है अच्छा के कुछ इलेक्शन माहौल बना रहे भाई अपने कच्चे मुंह में छूट गया ये ना देते हो सबको डरा सी है कदा कुछ है कुछ नहीं यू कौन सा खावा करता है यू कौन सा खावा है ना अपना पंजे पर चल जाता है पाछा बोल लगा राम राम भाई साहब सरकार तो संतुष्ट है या नाराज है बस ये बताओगे फिर भी बड़े बुजुर्ग हैं ये बताओगे युवा की केस हो सकता है युवा तो बस नू है अभी चेंज करना चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं राम राम जी राम राम के चाह रहे हो क्या भाई बदलाव लाने समय है तो इनने पूछ ले रिटर्न आप कौन चांदे बदलाव है सरकार ठीक है यार बदलाव चाहवा है नहीं बदलाव तो चाहवा भाई फिर तो बदलोगे तोड़ के पार्टी तो दो है भी है भाई पार्टी तो तीन खड़े हैं ना ऊपर तो दो है इंडिया गठबंधन रो हाँ जी आप के कहोगे बमाम ना कोशिश आप नीचे करिए कराई कर लेंगे अरे वोट वोट तो बीजेपी लो देखा जान की नोटा जी आया बात देख तो नोटा क्यों है भाई साहब कोई बढ़िया को नहीं कौन सी अभी क्या बता चिड़ी का मतलब के कुछ मुद्दा है के कुछ सुधार चाहो जो हो नहीं रहा कौन सी पार्टी था कौन सी से भी जब नोटा तो किसी को भी संतुष्ट नहीं है ना कोई भी पार्टी बढ़िया को नहीं नोटा पर हुआ हाँ नोटा पर आएंगे राम राम जी के कर के बना रहे हो सरकार में इसका के बना रहे हैं सरकार में हैं कुछ नहीं कुछ बना रहे हम तो सरकार सही है यार हाँ सही है तो यही रखोगे नहीं आपको रखते हैं तो बदलेंगे फिर सही ने क्यों बदलो मैं तो कहा सही है सही ने बदलो क्या बदल दिया अच्छी हुआ है
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਓਪਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਵੇਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ क्या तो निराज है इसते क्या तो क्यों किसान का भी लठ मारा है या सरकार कर्मचारियों का भी लठ मारा है या सरपंचा का भी लठ मारा है सबका लठ मारा है या ना सुन दी किसी की ना कर दे बोलिया गौ माता और बोलिया हिंदू जय माता की इसका भी आगे बढ़ गया कुछ भी को नहीं हाँ हाँ जी थोड़ी भी करा दी हूं धक्का आया तो गया तो मारा बस नहीं इसका तो मतलब खाते को नहीं आने का सारे जीरो बैलेंस खाता फलाना बैलेंस खाता इसकी बाणी चोर गति करेगी सरकार है कड़ी मेरे रोटड़ी खाने से भी तंग हो रहे हैं लगाइए खाते भी करेल दी है मैं भी बैंक में बैठ दी दनी बाट देखा खेतना रोटी ला गया कड़ा गई दी दानी खाता खिलाने दे रही थी बैंक में ठन्नी लेन देन देन ने ना होए तो दूर करके सरकार कड़ाई थी भाई सरकार तो आई को नहीं आ सारे झूठे नारे झूठे वायदे किसी का लठ मार दिया किसी का धक्का दा जांच करा दी किसी का धक्का दा कुछ ले दिया ये सरकार के कानून थोड़े हूँ मैं फिर कतोड़ करोगे मुंड हम तो कांग्रेस का नहीं हमारा तो मुंड दे आया तो जाए मेरा तो हाथ में बनाना उठता है आगे करना सरकार ने तो बनकर जाएंगे देखो भी किसने तो बना हाँ जी सर जी क्या कुछ मोल है मोल कांग्रेस का राम राम ताऊ राम राम जी सरकार किसकी बना रही है झाड़ू वाले की क्या था या सरकार का क्यों क्या और काम ज्यादा करा है काम या नहीं कर रही ना क्या था वो तो झाड़ू पुराने है कि नवा झाड़ू भाई ज्यादा काम करा है अच्छा हाँ हाँ झाड़ू वाला तो नहीं लाना भाई देखिए गाल भरी पड़ी है चिक्कड़ की कोई भी नहीं करता इससे आप अपना जाए तेरे न्यू लावा भाई कौन कोई लवाया जाएगा राम राम भाई साहब सरकार किसकी बनाओगे क्या देखो जी अब तो कांग्रेस का नहीं ला ही रहे एमपी कांग्रेस का नहीं अच्छा राम राम भाई जी सरकार किसकी बनाओगा ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਓ ਜੀ ਤਾਊ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ ਥਾ आपका सरकार किसकी बना हुआ जिसके आप चाहोगे आप नहीं तो तेरी दिल की सुना मेरा दिल की हाँ। मेरा दिल का तो थोड़ा ना भाई जिंदल का प्रोग्राम वो कर दिया समर्थन कायल अच्छा जाम्बा परसों जिंदल का समर्थन में हाँ। अच्छा अरे अभी ने भी दे रखे हैं सारा समाज तो दो टिकट को कोई बात नहीं आप है के भी गद्दा में हाँ हाँ जी किसका के मोल रखोगे हाँ जी मोल किसका रखोगे मोल तो देखी जाएगी जी टाइम वक्त बतावागा भी मोल रखेंगे जी बीजेपी का बीजेपी का हाँ बीजेपी का अच्छा हाँ बीजेपी लानी है भाई बीजेपी लानी है क्या था हैं पूरा मोमेंट है जी भाई साहब आप बीजेपी लानी है भाई साहब सुन लियो कि आपने इनकी हां इन हो गया बीजेपी वाल्मीकि समाज तो मैं अभी मैंने भी तो दो समाज सारा बीजेपी के साथ है हैं जी अभी ने दो सीट दे रखी है देर रखी होगी जी लेकिन वाल्मीकि समाज यहाँ का तो सारा सताराम वाला था हाँ देर रखी है जी बिल्कुल जी समर्थन का समर्थन है कोई बात नहीं लेकिन हम तो बीजेपी के साथ हैं जी इस टाइम बिल्कुल जी राम राम जी सरकार किसकी बना रही है
सरकार जिसकी तो कहा उसे की बनाया ना अपना मन की ने फिर भी तो ना अपना मन की सुना भाई सरकार यार ठीक है बीजेपी ने बनाया दे यही सही है यही ठीक है और सही है होते राम राम जी सरकार किसकी बना रहे होते हाँ जी सरकार सरकार तो देखो जी भी परमट तो मारे कट रहे हैं सरकार देखांगे किसकी बनावांगे उसो की बना देंगे बीजेपी वाले की मैं क्या परमट कर रहे हैं आप परमट काट रखे उसो ने देंगे बया इसका देंगे वोट उसने ज्यादा कहां क्यों गरीब आदमी के तो परमट काट रखे हैं हैं नहीं काटे ज्यादा रहने दे मान तो देखण लग रहे हैं लोग किले वाले पीले परमट लिए खड़े हैं कोटिया में है बता भाई माम के मारा जा ज्यादा जमीन नहीं नौकरी नहीं ठोकरी नहीं दिहाड़ी करा पै जे दिहाड़ी दस दिन कर लिया खा लिया है और बता मार पे की है सब के मोल कर रहे हो भाई गांव सिसला में आज प्रोग्राम था डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का बड़ा जोर जोर से स्वागत किया है और सारे गांव में इसी की चर्चा है और पूरे वोटों से यही जीतेगा के मोल रहेगा ये तो कहा के जिंदल लगा रहा होगा जिंदल का कोई नहीं है जिंदल तो भी आंदा भी कोई नहीं आवागत है उसका स्वागत भी नहीं है गांव के अंदर समर्थन करके नहीं नहीं कोई नहीं समर्थन किया किसी ने भी नहीं किया भाई पहले उरे था वो भी नवीन जिंदल भी पहले उरे था करीब कह रहे थे भाई कोला घोटाला में था यू भाई कैसे साफ सुथरा हो गया यू है सरकार ने इब अपना कैंडिडेट बना के तार दिया राम जी राम राम जी सरकार किसी बना रहे हो सरकार केजरीवाल की बना मांगे क्या कहते कहते अच्छा आदमी है बड़ी आदमी है नवीन जिंदल भी तो बना नवीन जिंदल पहले था ही नहीं नवीन जिंदल इब उसमें तो रड़ाया धक्या रड़ाया इन्हें क्या कर दिया नवीन जिंदल का भाई के कुछ रहोगा तो अभी कल आदमी है अभी क्या करेगा बेचारा वोट बाट कोई नहीं अभी अभी के भी बस ठीक ठाक है नाम नाम हाँ जी किसकी सरकार बना रही है केजरीवाल की जी केजरीवाल की हाँ आप जी सर देखेंगे जी अभी कुछ नहीं है जो पार्टी बीजेपी को राती दिखेगी उसको वोट दूंगा हसमंदर सर हाँ हसमंदर सर लीड कर बारी होगा बीजेपी के खिलाफ उसको वोट देंगे